सिर्फ लगी बोला ना, लगी था अभी। जमीन जारी थी मेरा से क्यों नहीं पूछा? यहाँ पर दीदी आर्या लोग है या पंडित ठाकुर? पैसे दिए पैसे, यहाँ कोई काम नहीं करोगे, इसको बेचो और पंडित लोगों को दो, मिट्टी धो दो के खाए। मेरे पैसे वापस कर दो, मिट्टी धो दो के खाए, मेरे पैसे वापस कर दो। जाओ तुम जाओ ना, अपना काम करो। हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर मेरा सब इस्तर मित्र लोग आते हैं। चल जाए मारते हैं घर में, ये भी मारते हैं मेरे को, हमने गलत साबित करा, बिल्कुल नहीं बोला मैंने, इतना ही बोला। हमने एक गलती इनसे गलत नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नहीं बोला हमने। आप राजीनामा कर दिया, मैं भी आपकी बहन की समान हूँ, माँ के और बहन जो हो गया हो गया, आप गलती होगी पूछा ही कर दिया। वही महिला, वही जगह, वही लोग, लेकिन अंदाजे बयां काफी अलग है। 16 अगस्त के वीडियो में नैनीताल की जो गुड्डी पांडे खुद को ब्राह्मण कहकर दलितों को गालियां दे रही थी, 18 अगस्त आते आते उन्हीं दलितों के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। मारते हैं घर में, ये भी मारते हैं मेरे को, बोल दिया कर मैंने, इतना ही बोला खाना बनाने वाले, हमने एक गलती इनसे गलत नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नहीं बोला हमने। आप राजीनामा कर दिया, मैं भी आपकी बहन की समान हूँ, माँ के और बहन जो हो गया हो गया, आप गलती होगी पूछा ही कर दिया। आप जैसे हो कभी हमारी मदद करोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन 16 अगस्त को गुड्डी पांडे की गुंडागर्दी हर किसी ने देखी। मुझे हमें कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। फोड़ दो शीशा। रिकॉर्डिंग बन रही है, रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? रुको थाने में जाती हूँ मैं अभी। जाओ जाओ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग बन रही है। हमने क्या बोला? रुको, तुम्हारी रिकॉर्डिंग आ रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ क्या कह रहे हो? तुम्हारी रिकॉर्डिंग बन रही है। फोड़ूंगी, रुको रुको। हमने पहले हम तो पंडित मेरी माने, इसको मिट्टी धो धो के खाए। मेरे पैसे वापस कर दो, मिट्टी धो धो के खाए। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मेरे पैसे वापस कर दो। जाओ तुम जाओ ना, अपना काम करो। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो? अरे मैं मार दूंगी। अरे क्या है तुम्हारा चक्कर, ये बताओ। मेरे को यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लगता है, हरिजन के सामने। तुम कुछ बोलो अभी, चलाया बता। हरिजन के सामने माहौल अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर मेरे सब इस्तर मित्र लोग आते हैं। चल जाएगा बता, चल जाएगा। अपने पड़ोस में एक दलित को घर बनाने से रोकने और उसे गालियां देने वाली इस ब्राह्मण पड़ोसन का पारा उस दिन सातवें आसमान पर था। लेकिन मनु की औलाद को जब बाबा साहब की औलाद ने जेल पहुंचाने का इंतजाम कर दिया, तो गुड्डी पांडे के दिमाग में भरा जातिवाद का जहर मानो अमृत बन गया। लेकिन प्लॉट मालिक विजय कुमार टमटा गुड्डी पांडे को बख्शने के मूड में नहीं है। हमने उनसे फोन पर इस बारे में बातचीत की। जी विजय जी, मैं सुमित चौहान बात कर रहा हूँ द शुद्रा से। जी क्या हाल है विजय जी? बढ़िया जी। अपडेट है कोई केस में आपके? जी कोई अपडेट है केस में आपके? अभी उनका एक वीडियो चल रहा है कि वो माफी मांग रही हैं, जो गुड्डी पांडे हैं। नहीं वो तो एक्चुअली हम घटना स्थल पे गए थे ना हम लोग। हाँ तो सीओ आ रहा है इंक्वायरी के लिए। अच्छा कहाँ पे घटना घटी थी? तो वो बताने गए थे तो वो अपने घर से दौड़ के आई, पैरों में गिर गई। हाँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जी। आगे कुछ नहीं हुआ है, वो जेल जाएगी, वो पैरों पड़े टाइम पड़े। वो तो हम घटना स्थल में गए थे कि यहाँ घटना घटी थी करके, बस यही बात हुई है कुछ। तो अरेस्ट हुई कि नहीं हुई? वो तो अरेस्ट ही है। अच्छा अच्छा जी जी जी। दरअसल ये वीडियो नैनीताल के लाल कुआं इलाके का है। यहाँ के राजीव नगर में विजय कुमार टमटा नाम के दलित व्यक्ति ने एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से 30 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था। लेकिन पड़ोस में रहने वाली गुड्डी पांडे नाम की इस महिला को ये नागवार गुजरा कि कोई दलित उसके मोहल्ले में रहने लग जाए। एक दलित को पड़ोस में घर बनाता हुआ देख ये जातिवादी महिला गुस्से से लाल हो गई और उन्हें जाति सूचक गालियां देने लगी। लेकिन विजय कुमार टमटा ने इसका वीडियो बना लिया और अब उसे जेल भेजने का इंतजाम भी कर दिया। जातिवादियों को उनके गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। देश में जातिवाद का जहर घोलने वालों की असली जगह जेल में ही है। नैनीताल से अभिनव प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट द शूद्र।
साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।